नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की हमारे इस वीडियो में दोस्तों, आज मैं आपको धन के देवता कुबेर महाराज से जुड़ी हुई एक प्यारी सी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुबेर महाराज को ऐसे ही घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था कि वो सबसे ज्यादा धन वैभव के देवता है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी समृद्धि है तो क्यों ना मैं शंकर जी को अपने घर पर भोजन का न्योता दे दूं और उन्हें अपना वैभव दिखाऊं। यह विचार लेकर कुबेर जी कैलाश पर्वत पर गए और वहां शंकर जी को भोजन पर पधारने के लिए न्योता दिया। शंकर जी को कुबेर का आने का उद्देश्य समझ में आ गया था। वे समझ गए थे कि कुबेर भोजन के बहाने उन्हें अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कुबेर से कहा, हम तो नहीं आ सकेंगे, आप इतने आदर से न्योता देने आए हैं तो हम गणेश जी को भेज देंगे। शंकर जी और माता पार्वती जी ने गणेश जी से कुबेर के साथ जाने को कहा। गणेश जी भी सहज ही राजी हो गए। गणेश जी को ज्ञात भी हो गया था कि कुबेर ने उन्हें भोजन पर क्यों बुलाया है और गणेश जी उनका अभिमान तोड़ने की युक्ति में जुट गए। वे अपने साथ मूसक को ले गए जो गणेश जी का सेवक था। कुबेर के महल में गणेश जी और उनके मूसक को भोजन परोसना शुरू कर दिया गया। दिखावे के लिए सोने चांदी के पात्रों में अति ही स्वादिष्ट भोजन उन्हें परोसे गए। गणेश जी ने एक एक कर उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सारे पकवान समाप्त हो गए। गणेश जी की भूख फिर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन्होंने बर्तन खाने शुरू कर दिए जो हीरे जवाहरात सब खाने के बाद भी गणेश जी की भूख तो शांति नहीं हो रही थी। कुबेर महाराज परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हो गया था। घबराकर कुबेर महाराज शंकर भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैं अपने कर्म पर शर्मिंदा हूँ और मैं समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं है। तब कहीं जाकर गणेश जी लौटे, लेकिन धन के देवता को सबक सिखाने में गणेश जी महाराज कामयाब हुए और कुबेर महाराज को समझ में आ गया कि शंकर भगवान भोलेनाथ से कोई बड़ा नहीं है, वही सभी देवताओं के देव है। इसलिए उन्होंने अपनी भूल की माफ़ी मांगी और उन्हें अपने भूल पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, ये थी कुबेर महाराज से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति खबर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।